अयोध्या विराजमान रामलला के सखा व पक्षकार त्रिलोकीनाथ पांडे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जल्दी ही बड़ी खुशखबरी वाले बयान पर विराम लगाते हुए कहा कि अदालत व राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में सीएम का बयान जजमेंट से पहले ठीक नहीं है। सभी चीज राम मंदिर के अनुकूल है, लेकिन सीएम ने अदालत व राम मंदिर पर टिप्पणी नहीं की। योगी आदित्यनाथ के तीन तीन गुरु राम मंदिर के लिए शहीद हो चुके हैं। हो सकता है भावतीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कही हो, लेकिन मेरा मानना है कि धैर्य रखना जरूरी है। त्रिलोकीनाथ पांडे ने श्री रामलला के सखा के रूप में सुप्रीम कोर्ट में वादी है। 2010 हाई कोर्ट ने रामलला विराजमान का भाग रामलला सखा को रूप में त्रिलोकीनाथ पांडे का दिया था। जहां आज श्री रामलला विराजमान है, वहीं श्री 108 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर नाथ मंदिर से जुड़े पंडित कल्की राम का कहना है कि सीएम का बयान राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। अयोध्या के विकास के लिए यह सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान है। इससे पहले भी सीएम ने दीपोत्सव के पूर्व विकास की सौगात दी थी। यदि अदालत के परिप्रेक्ष्य में या राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, तो हमें भी लगता है कि सारी चीज़ें हमारे अनुकूल होने के बाद भी जजमेंट के पहले कुछ इस प्रकार से अधिकृत बात कहना ठीक नहीं है। हालांकि महाराज जी ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के विषय में या अदालत के विषय में कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है कि अदालत अपना काम कर रही है, और अब तक जितने साक्ष्य आए हैं, जो बहस में चीज़ें आई हैं, जे की पूछताछ क्वेरी से चीज़ें निकल रही हैं, उसमें लगता है कि राम जन्मभूमि के अनुकूल सारी चीज़ें चल रही हैं। अब ज़्यादा देर नहीं है, 15 नवंबर से पहले जजमेंट आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। योगी जी का कहना है बिल्कुल सही है, उनके तीन तीन गुरु शहीद हो गए राम जन्मभूमि के संघर्ष को झेलते हुए। अब उनके तपस्या का, उनके संघर्ष का प्रतिफल आने वाला है, तो भावातिरेक में योगी जी का कहना हमको लगता है कि बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के विषय में जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या के विषय में खुशखबरी की बात की है। आप को याद होना चाहिए, जब पहली बार यहाँ दीपावली मनाई जा रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि आने वाले 5 वर्षों में अयोध्या भारत के एक नंबर सुंदरीकरण में गिनी जाएगी। हो सकता है 151 फीट की प्रतिमा लगा रहे हैं उसके संदर्भ में हो, या कोई सुंदरीकरण के संबंध में हो, या पर्यटन को एक नंबर पर ले जाने के संबंध में हो, क्योंकि आज अयोध्या हर तरफ से विकसित हो रही है। ये कहना गलत होगा कि राम मंदिर को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा, क्योंकि वो खुद एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं और ऐसी टिप्पणी फिलहाल नहीं करेंगे जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पंडित कल्की राम, अध्यक्ष नागेश्वर नाथ मंदिर ट्रस्ट, अयोध्या।